और बहुत सारे संस्थाएं इसमें बंद हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो अपनी एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा चिंतित तो ज्ञात नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा है कि कुछ बाकी स्टूडेंट के लिए कुछ नया किया जाए, उनके लिए छोटा सा कंपटीशन दिया जाए और वो डेली उनकी नॉलेज का परखा जाए कि वो कितनी ज्यादा जो है अध्ययन कर रहे हैं और उससे फायदा क्या होगा, ये भी आप जान लीजिए। कि देखो, जब हम कोई नॉलेज गेन करते हैं, जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं, तो हमें कंफर्म नहीं होता कि हम क्यों कितनी नॉलेज गेन है। आपको आता है, ये कंफर्म है कि आपको नॉलेज आता है, 100% आता है, लेकिन कंफर्मेशन तभी हो पाती जब कोई बंदा हमसे पूछता है या कोई टीचर आपसे पूछे या फिर किसी प्रकार से जैसे चीजें होती हैं, जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो कुछ चीजें जो पता होती है ऑटोमेटिक आपको हो जाती है। लेकिन मैं सोच रहा हूं आप लोग के लिए कि आप लोगों के लिए कंपटीशन रखी जाए और मैं आप लोगों से सवाल पूछूं और उसके लिए पुरस्कार भी आप लोगों को दिया जाए, जिससे आपकी प्रोत्साहन बढ़े और उस क्षेत्र में आगे बढ़े और आपकी नॉलेज से जो है बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी लाभ मिले। और मैं वही प्रश्न पूछूंगा जो आपके एग्जाम के लिए, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए ही प्रश्न पूछा जाए। और ये ध्यान दें कि जो भी मैं प्रश्न पूछूंगा वो सभी आवश्यक प्रश्न होंगे, 100% श्योर जो एग्जाम में आने वाले होंगे। मैं उन्हीं प्रश्नों को उठाऊंगा जिससे प्रश्न पूछे गए, उन्हीं प्रश्नों को मैं उठाऊंगा जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर हो सकती है और आप अपनी नॉलेज को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और किसी भी प्रकार के एग्जाम जैसे ही खुलती है वैसे ही अगर एग्जाम में होंगे तो आप सफल हो पाएंगे। इस समय नॉलेज में क्या हो रहा है कि बहुत सारे नॉलेज, जब बच्चों को जब ज्ञान नहीं दिया जा रहा होगा तो बच्चे अपने मन मर्जी करते हैं। देखो, एक स्टूडेंट वही करेगा जिसको जितना पता होगा, तो स्टूडेंट अपने मन मर्जी का जो जो भी चीजें मिल रही है वो चीजें वो लेता चला जा रहा है और किताबें पढ़ रहा है, फिर वो कुछ देर बाद बोर हो जा रहा है। क्योंकि क्यों बोर हो जाए, बोर होने का भी कारण है कि क्योंकि वो उसे कोई पूछने वाला नहीं है या उस तरह का माहौल में कोई, मतलब घर में कोई सदस्य नहीं है जो आपके फाइनेंस से संबंधित कोई चीज करे। जिनके लिए घर पर है तो बात उनके लिए प्लस पॉइंट है कि भाई उनकी नॉलेज पूछी जा रही है, लेकिन उनके लिए जो इकलौते स्टूडेंट है जो लोग घर पर है और नॉलेज को गेन करना चाहते हैं तो ठीक है, वो जो लोग पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन नॉलेज को जब तक एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं किया जाएगा तब तक आपकी नॉलेज का कोई लाभ नहीं है। तो नॉलेज को देना जरूरी है, लेन देन करना बहुत जरूरी है, इसी तरह हमारी नॉलेज और हमारी जिज्ञासाओं में मतलब विकास होगा। तो दोस्तों, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, यदि इस कंपटीशन मतलब फाइनेंस कंपटीशन में आप मतलब कहेंगे फाइनेंस थ्योरी कंपटीशन में यदि आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है कि सर मैं इसके लिए तैयार हूं, आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे 50 प्रश्न पूछूंगा और 50 प्रश्न कई टुकड़ों में पूछ सकता हूं, या मैं आज फिर कल परसों ऐसे करके पूछ सकता हूं। यदि आप इच्छुक होंगे 5 प्रश्न बताना चाहते हैं या 10 प्रश्न, तो मैं वैसे ही 50 प्रश्न आपसे पूरे प्रश्न पूछ लूंगा। यदि आपके प्रश्न ज्यादा से ज्यादा सही होते हैं, ठीक है, तो आप विजेता माने जाएंगे। और वो कैसे होगा, वो होगा जितने भी हमारे जो स्टूडेंट होंगे, मैं अपनी जितनी भी व्हाट्सएप पर नंबर आएंगे जो फर्स्ट टाइम में जितनी भी प्रश्न जितनी भी व्हाट्सएप पर लिंक पर जितने भी स्टूडेंट का नाम आएगा, मैं उनमें से जितने भी प्रश्न होंगे सारे लोग से प्रश्न पूछूंगा और जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, जिनके हाईएस्ट अंक होंगे वो हमारे विजेता माने जाएंगे। तो आई होप आप इससे प्रतिभा कीजिए और अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाइए। जो भी इस वीडियो के बीच में मतलब जो हम मैं कॉलिंग के दौरान जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा वो प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे और आपकी जो प्रॉब्लम होंगे वो भी हमें बता सकते हैं, जो दिखते हैं वो भी बता सकते हैं, या फिर अपनी एडवाइस अपनी नॉलेज किसी स्टूडेंट को देना चाहते हैं तो उनको भी दे सकते हैं मेरी इस यूट्यूब के माध्यम से। और साथ ही साथ अपनी नॉलेज की बेहतरीन नॉलेज की कोई टिप्स देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं इस यूट्यूब पर। अब हम चाहते हैं कि इन सारे स्टूडेंट से जुड़ें और उनकी नॉलेज को आदान प्रदान करें और नॉलेज को और बेहतर से बेहतर कर सके। इस मॉडर्न युग में जो है किसी नॉलेज को छुपाना ये सही नहीं हो सकता, नॉलेज को बांटते रहिए, नॉलेज को इकट्ठा करते रहिए, यही सबसे बेस्ट तरीका है। और दोस्त, आप हमेशा याद रखिए जिस कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें उन्नत काम करने के लिए हमें जरूरी है कि पूरे डट कर लगे और डरे नहीं आगे बढ़े, क्योंकि डर
आपको मारती है। डर से डरना सबसे बड़ी कमजोरी। तो मित्रों आपको ये जो भी आपको राय है कमेंट है हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, मतलब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है उस पर अपना लॉग इन करें और साथ ही साथ रेडी हो जाएं और कहें कि सर आई एम रेडी फाइन आर्ट थ्योरी कॉम्पिटिशन।